हेलो एंड वेलकम बैक। अब एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 5 डिस्कस करेंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 200 डेज ऑफ यूज इज 0.2। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ बल्ब्स आउट ऑफ 5 दैट फ्यूज आफ्टर 200 डेज ऑफ यूज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लास्ट इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दी हुई है एंड एक्स क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ बल्ब्स आउट ऑफ 5, राइट। सो बेसिकली हियर टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स है 5 एंड पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब will fuse, probability that a bulb will fuse after 200 days of use, after 200 days of use, और ये probability है 0.2, correct? Next, यहां से हमें Q की value मिल जाएगी, so this is success. And Q will be probability of failure. So 1 minus P, that is 1 minus 0.2, ये है 0.8. And as it is already given, let X denote the number of bulbs. Let X denote the number of bulbs. So X की जो possible values है, वो है 0, 1, 2, 3, 4 and max value is 5. Okay? पहले पूछा है probability of x equal to 0. So first case is probability at x equal to 0. तो यहां पर हम p of x का formula use करेंगे. Now we know that p of x or binomial distribution is ncx into p raised to x into q raised to n minus x. So let us use this formula. तो यहाँ पर आ जाएगा 5c0, फिर आएगी p की value, that is 0.2 raised to 0 into q, that is 0.8 raised to 5 minus 0, which is 5. So simplifying further, 5c0 is 1, 0.2 raised to 0 is also 1, into 0.8 raised to 5. So our final answer is 0.8 raised to 5. Next pucha hai, probability of x less than equal to 1. Okay, so the second case is probability of x less than equal to 1. So x की वैल्यू 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है. सो वी हैव p ऑफ x इक्वल टू 0 और वी कैन हैव p ऑफ x इक्वल टू 1. तो अगेन p ऑफ x का फॉर्मूला हम यूज करेंगे. तो ये आ जाएगा 5c0, p है 0.2 रेज टू 0, q इज 0.8 रेज टू 5 माइनस 0 इज 5, प्लस नेक्स्ट इज 5c1 into 0.2 raised to 1 into 0.8 raised to 4. 5 minus 1 is 4. अब 5c0 होता है 1, 0.2 raised to 0 is 1. इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, 0.8 raised to 5 plus 5c1 is 5 into 0.2 raised to 1. So that's 0.2 into 0.8 raised to 4. Okay, so let us simplify this. Ye aayega 0.8 raised to 5 plus, now 5 into 0.2 is 1, right? So 1 into 0.8 raised to 4. Ab hum 0.8 raised to 4 ko common le sakte hain. Okay, तो ये इसमें से 0.8 raise to 4 गया बाहर, तो we have 0.8 left, plus ये हमने बाहर ले लिया, तो रह जाएगा 1. तो हमारा जो final answer आएगा, that would be, now 1 plus 0.8
is 1.8 into 0.8 raised to 4. देखते हैं थर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, x greater than 1. ओके सो नेक्स्ट इज x greater than 1, थर्ड केस. p ऑफ x greater than 1. नाउ greater than 1 मींस इट कैन बी 2 और इट कैन बी 3 और इट कैन बी 4 और इट कुड बी 5. बट इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस, हमें पता है कि समेशन पी एक्स राइट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो ये प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते हैं, सो वी कैन कैलकुलेट दिस इजिली बाय सब्रैक्टिंग 1 में से हम सब्रैक्ट कर सकते हैं पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1, बिकॉज जो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 0 टू 5, राइट. और हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, राइट. एंड समेशन पी एक्स इज 1, तो इसलिए हम इसे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं एज 1 माइनस पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1. अब ये वाली वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, सी पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1, ये सेकेंड केस में. तो इसी का आंसर हम यहां पर लिख देंगे. ओके सो दिस इज 1 माइनस 1.8 इंटू 0.8 रेज टू 4. तो यहां पे खाली हम रेफरेंस दे देते हैं फ्रॉम द सेकेंड केस. ओके देन फोर्थ केस, अब देखते हैं कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. नेक्स्ट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. Probability of x greater than equal to 1 means it can be 1 or 2 or 3 up to 5, correct? So this could be 1, p of 2, ye jayega p of 5 tak. But again using the same property, summation of all the probabilities is 1. So instead of calculating 1, 2, 3, 4, 5, what we do is 1 mein se hum जो बच गई है वो प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी p ऑफ 0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अब p ऑफ 0 वी हैव कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट केस. देखिए p ऑफ 0 इज 0.8 रेज टू 5, सो वी जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर. सो 1 माइनस ये आएगा 0.8 रेज टू 5. अगेन यहां पे हम रेफरेंस लिख लेते हैं फ्रॉम द फर्स्ट केस. So this is how you calculate the given probabilities.